नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर के आदर्श नगर महादेवा नई बस्ती में सांसद विजय लक्ष्मी देवी के आवास पर है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, सिवान नगर में सिसवन ढाला स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन जाम लगी रहती है और उस पर ओवर ब्रिज बनाने को लेकर लगभग 2 दशकों से जनता की ये मांग रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बगल में इकरा स्कूल, RMPS स्कूल, इस्लामिया कॉलेज होने की वजह से बच्चों के पढ़ाई में अक्सर विलम्ब हो जाया करता है। इस मांग को लेकर कई जनप्रतिनिधियों द्वारा ये मांग उठाई गई, लेकिन पिछले दिनों सिवान सांसद, उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा एवं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार झा जी माननीय रेल मंत्री भारत सरकार अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और इसके बारे में उन्होंने बताया। और बहुत ही जल्द, लगभग जैसा कि बताया गया है कि 10 दिनों के अंदर पूरी तरह से DPR तैयार करके प्राकलन राशि जो है इसमें कितने पैसे खर्च होंगे इसकी पूरा विवरण बनाकर भारत सरकार ने बिल्कुल भेज दिया है। और भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच में इस पर सहमति भी हो गई है। पूरे जो इस ओवर ब्रिज को बनाने में 92.16 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये जो पूरा पैसा है इसका आधा पैसा रेल मंत्रालय और बिहार सरकार वहन करेंगे। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इसका पत्रक जारी हो गया है और बिहार पुल निगम द्वारा इसका टेंडर बहुत जल्दी ही निकाला जाएगा। तो ये बहुप्रतीक्षित जो मांग थी जनता की, ये अब पूरा होने वाली है और इस पर ओवर ब्रिज का निर्माण होने वाला है। आज इसी विषय में एक प्रेस वार्ता आवास पर आयोजित की गई है, तो आइए देखते हैं कि प्रेस वार्ता में सांसद पति और सांसद महोदय ने क्या कहा। पिछले लोकसभा चुनाव में सिसवन ओवर ब्रिज को लेकर के जो सिसवन ढाला है, 91 उसका संख्या है, उसको लेकर के चुनाव में इशू बनाने की कोशिश की गई। हमसे भी पूछा जा रहा था कि आप बताएं कि आप सिसवन ढाला बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, और ख़ास करके पत्रकार कैसर साहब के तरफ से ज़्यादा सवाल थे। हम बार बार कहते थे कि देखिए, हम इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, हम काम में विश्वास रखते हैं, हम नीतीश जी के पार्टी के चुनाव लड़ते हैं। तो मैंने इस पर काम किया, रेल मंत्री से जा कर के दिल्ली में माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी के साथ हम गए थे और हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा भी थे। हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री से मिला और मिल करके हमने कहा कि भाई सिसवन जो ढाला है उस पर महीने में कम से कम 2-4 लोग जो बीमार लोग होते हैं उनकी मौत हो जाती है ढाला में, इसलिए इस ढाले का निष्पादन जल्द किया जाए और जल्द से जल्द इसकी स्वीकृति रेलवे बोर्ड दे और वहाँ काम शुरू। उन्होंने आश्वासन दिया एक सप्ताह के भीतर जो DPR है उसकी स्वीकृति मिल जाए। इसके पहले हम जो शेखपुरा ऑफिस है पथ निर्माण विभाग का, वहाँ भी गए थे, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट मैंने इकट्ठा किया। फिर हम बेतिया भी इसका जो जोनल ऑफिस है वहाँ भी गए, वहाँ से भी सारे कागजात हमने इकट्ठा किया। सब कागजात को लेकर के हम माननीय रेल मंत्री से मिले थे। मुझे खुशी है इस बात के लिए कि इसी 20 मई 2024 को रेलवे बोर्ड के जरिए इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और उसका पत्र भी हमें मोबाइल पर भेजा गया, जिसकी प्रति हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो देखिए, ये जो मुद्दा था सिसवन ढाले का, वाकई में जो सिवान का जो दक्षिणी इलाका है, खास करके उसमें दुरौंदा का भी एक अच्छा खासा हिस्सा उसी रास्ते से आता था, हसनपुरा है, सिसवन प्रखंड है, और हुसैनगंज प्रखंड के भी अच्छे खासा हिस्सा, रघुनाथपुर का भी कुछ हिस्सा इसी रास्ते से आता था। तो सिवान के दक्षिणी इलाके के लिए ये मुख्य रास्ता था और इस ढाला निर्माण से मतलब जिले के आबादी का कम से कम 40% लोगों को
इसे लाभ मिलेगा। और इसे तो जिले के हर कोने से लोग उधर जाते हैं, चाहे आने वाले या जाने वाले, सबको इससे महेंद्रनाथ मंदिर भी है, वहाँ भी लोग उसी रास्ते से जाते थे। यही ढाला बनने से पूरे सिवान की जनता के लिए बहुत ही एक फायदा होगा। और ये बहुत पुराने समय, लंबे समय से इसकी मांग होती रही है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं तो अन्य लोगों ने क्या किया, लेकिन मैंने कोशिश की और कोशिश का परिणाम आया, यह ढाला बनने जा रहा है, उसकी स्वीकृति मिल गई है। बिहार पूर्ण नगर निगम के जरिए इसका टेंडर होना है, अब टेंडर की प्रक्रिया में है। और मुझे उम्मीद है कि हम जाएंगे, पूर्ण निगम के एमडी से भी हम बात करेंगे और जितना जल्दी हो सके इसको टेंडर की प्रक्रिया में ले जाएंगे। टेंडर होने के बाद काम करेंगे। कितना दिन में वो काम शुरू हो जाएगा? अभी ना, अभी एकदम एग्जैक्ट बताना ठीक नहीं, पहले तो स्वीकृति मिल गई ना। पिछले सांसद भी कई बार उन्होंने लेकर स्वीकृति पास कराए, हालांकि हुआ नहीं। पिछले अब देखिए, मैं पिछले सांसदों के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पास लेटर है, ये लेटर मैं दे रहा हूँ, ये रेलवे बोर्ड का लेटर है, आप लोगों को एक एक कॉपी मिल जाए। सर, सदर विधायक योगी चौधरी ने कहा कि अंडर पास और शिशु धाराओं पर भी दोनों के लिए मैंने फायर की और मेरे साथ। अब सवाल है कि चौधरी जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, पुराने नेता हैं, उनके बारे में कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मेरे पास आया, अगर उन लोगों के पास आया हो तो आप जाकर के ले लेंगे। सवाल ये आता है सर कि रेलवे और खास करके जो बिहार सरकार, ये दोनों के बीच का ही मामला रहता है, तो क्या लग रहा है कि वो मामला सुलझ गया है, उस मामले पे ही मामला हल हो गया? मैं कह रहा हूँ कि जो DPR जो बना था वो DPR की मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दे दी है, इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई, उसके बारे में डिटेल इस पत्र में लिखा भी है। इसका कहिएगा तो मेरे मोबाइल पर इसका हिंदी भी है, हिंदी भी हम आप लोगों को दे देंगे। ये सब कुछ हो गया है और इसको बिहार पूर्ण निगम को बनवाना है, इसमें जो लागत राशि है 92,16,00,000, जिसका आधा हिस्सा बिहार सरकार देगी और आधा केंद्र सरकार, ये भी तय हो गया है। इसमें पारिश्रमिक नीतिगत निर्णय यही है, ज़्यादा बिहार सरकार को देना है और आधा अंडरग्राउंड बनेगा। ये नहीं, अब इसी की तरह सर कई समस्याएं सिवान में आ रही है, अभी कचहरी ढाला पर भी लगभग देखा जाए तो उसी तरह से जाम लग रहा है, और एक नया मुद्दा अब सामने आ रहा है, उस पर आपका नजर है कि नहीं सर? देखिए, पहली बात पे पहले इसको हो जाने दीजिए, आप लोग पहले एक एक काम करके चलिए ना, समस्याएं तो बहुत है, पहले मुख्य बीमारी का इलाज हो जाए, उसके बाद जो अन्य बीमारियाँ होगी उसको भी देखा जाएगा। सर, सिवान शहर में देखा जाए तो कचरों का लगातार अंबार लग रहा है, नगर परिषद इसको फेल नजर आ रहा है, लोग गंदगी में जी रहे हैं, इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ? अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे, मुख्य इशू हमारे यही पर बात करेंगे, अगले इशू पर अगले बात। ठीक है, एक सर, सर आम जनता जो है उस उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, हम लोग भी वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, सिस्मन ढाला पे है, बोलते हैं कि MP मैडम का भी हमने नाम लिया था, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कितने लोग कागज दिखाए हैं और कई तरह के लोग उसके राजनीति तो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं लोग जाने, हमारा काम है काम करना, हमने इसके लिए पहल की है और माननीय रेल मंत्री तक इस संवाद को मैंने पहुंचाया है और उन्होंने मंजूरी दे दी है, जिसका कागजात मैं दे रहा हूँ रेलवे बोर्ड का, ताकि कौन लोग क्या करें, किनको क्या कहने से भरोसा होगा वो खुद समझें, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मान लें कि आप कहीं जा रहे हैं किसी अधिकारी के पास, अधिकारी कहते हैं कि हम ये काम कर देंगे, ठीक है, वो नहीं करते हैं तो जाने, लेकिन मुझे पूरा 100% यकीन है इसमें बहुत ही जल्द मतलब टेंडर की प्रक्रिया भी होगी और काम शुरू होगी। अब बहुत जल्द सिवान का जो ओवरब्रिज है बन जाएगा, क्या कहना चाहिए सिवान के? पहले तो हमको पूरा भरोसा है, हम गए थे रेल मंत्री बोले कि आप एकदम निश्चिंत रहिए और जल्दी बनेगा, और विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि उसको जल्दी हम लोग कम लगेंगे। ठीक है।